अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयार हुई हूँ। हम लोग बच्चों को लेके हिल पार्क जा रहे हैं, तो होपफुली मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं वहाँ वीडियो बना सकी तो मैं डेफिनेटली बनाऊँगी। बिकॉज अभी पता नहीं वहाँ पे कैसा होगा, बहुत ज़्यादा एक तो डस्टी होता है, लेकिन क्या करें, बच्चों को लेके कहाँ जाएं, कोई जगह ही नहीं है बच्चों को ले जाने की जहाँ पे बच्चे जो है फ़न कर सकें, बड़ा एरिया हो जहाँ पे ज़रा भाग दौड़ सकें। तो वेल, मैं जा रही हूँ, फिर अगर हो सका तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, और कुछ नहीं तो थोड़े बहुत क्लिप्स ही सही फिर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। चले, मैं निकल रही हूँ। ओके, बाय। अभी नहीं फेंको। अच्छा, वो लोग पिक्चर खींच रहे थे यहाँ पे। We are here for butta and makkai. We have very tasty butta and makkai. उसके बाद यहाँ से फ्री होके हम भुट्टा लेके फिर हम जाएंगे आगे। प्ले एरिया है, बच्चों का अच्छा मज़ा आता है। बनाल डैडा के साथ साथ चलो। हाँ जी, बेटी हिल पार्क है, यहाँ पे बार बार नहीं आ सकते। क्यों? अभी तो मौसम बेहतर हो गया तो यहाँ पे आ सकते हैं, वरना तो इतनी गर्मी में तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता।
जी, तो हम यहाँ पार्क आ गए हैं। अब मैं यहाँ भी दिखाती हूँ आपको। चलिए, मैंने अपना आप बहुत दिखा दिया, मैं थोड़ा सा पार्क दिखा देती हूँ। बी केयरफुल। उप्स, माय गॉड, मैं गिर जाती। वाओ, बहुत ही कोई जबरदस्त जगह है ये। बहुत अच्छे हैं ये प्ले लैंड, बहुत अच्छा है। मैं रेफर करूंगी, सब अपने बच्चों को लेकर आए। जी मनाल, यस बेबी। रोलर कोस्टर, वो बच्चों को लाने के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो झूले हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसके चार्जेस नहीं। अराउंड 40 से स्टार्ट होते हैं, 40, 50 और 60 से। तो बेस्ट जगह है, मैं थम्स अप दूंगी इस जगह को। अभी मज़ीद स्टिल बहुत जगह बाकी है दिखाने के लिए। मैंने तो जस्ट अभी कुछ आपको पोर्शन दिखाया है, कि जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे मैं आपको सारा सर्वे कराऊंगी। क्या करें, मैं रोज प्लीज बाहर आए। किसमें? हाँ,
जी गोइंग बेटे। हम कप केक में बैठने जा रहे हैं। ये गए हैं टिकट लेने। ये राउंड्स बस जस्ट बनाए हुए हैं, खड़ा कोई भी नहीं है इन पे, और इन पे खड़े हो जाएंगे तो झूलों पे कैसे जाएंगे। एलजी बेबी ये यस। चलो भाई हमारे टिकट आ गए हैं। हाँ कपकेक, लेट्स गो मॉम, लेट्स गो बेबी। मेरोज व्हाट ही इज डूइंग देयर। ये कपकेक ये देखें, दीवानी कार पूरी। अभी टाइम है ना, अभी हम कपकेक में बैठेंगे और बैठ के फिर हम कैप्चर करेंगे कि हमारे कैसे तासुरात होते हैं। स्केरी है लेकिन मज़ा आता है। खैर बहुत ज़्यादा भी ऊंचा नहीं है और रिलायबल है झूले यहाँ के। होपफुली सब सही रहे, अल्लाह अपनी अमान में रखे। चलें जी मैं जाती हूँ और फिर आई विल मेक अ माई एक्सप्रेशंस वीडियो। लॉक नाउ, कंटिन्यू रखो। लॉक लॉक, आई सेड लॉक। डर क्यों लग रहा है? ओह सी, हम लोग टॉप पे आ चुके हैं, नीचे और लोग बैठ रहे हैं। ओह तो डर लग रहा है मोबाइल। हिल पार्क की खासियत कि यहाँ से आप आराम से पूरा शहर कराची देख सकते हैं, है ना मेरे दोस्त? कराची शहर दिखाई देता है ना। हाँ आई थिंक स्टार्ट हो गया। नहीं नहीं अभी भी लोग बिठा रहे। ये ले भाई, एक हिल पार्क का भी व्यू हो गया पूरा। टॉप पे, हाँ टॉप पे नहीं। यहाँ पे मेरे एक जगह होती थी थोड़ा सा ना, पता नहीं कौन सी थी वो, शायद ऊपर जाते थे कहीं जो है ना, एक मेन जगह होती थी ऊपर की। यहाँ अम्मी ये लोग लेके गए थे तो उस तरफ होते थे, पता नहीं वो कौन सी जगह है। क्या हो रहा है? आज मनाल जरा डर रही है, उस दिन बिल्कुल नहीं डर रही थी, आज जरा डरी हुई है मनाल। हाँ जिसको पता नहीं था ये होता क्या है, आज पता चल गया कि ये क्या है। कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं मेम्बर्स, मतलब हमें क्या अमेरिका की वीडियो दिखाई जाती है, पिक्चर्स दिखाई जाती है, अगर कराची के प्रॉपरली अगर वो लिया जाए तो कम बिल्डिंग्स तो यहाँ पर भी नहीं है। ओ thank you.
नहीं मनाल मेरे साथ दें, आप मार देंगे उसे। चलो आ जाओ मनाल, हम किस में चलेंगे, कम कम मनाल कम मिल मम्मी। यस वी लाइक टू सिट ऑन अ वाइट कार। यस मनाल कम अप। उप्स उप्स। अच्छा फिर उसको हाथ रख लेगा, ठीक है। चलो मनाल गो विद डैडा, ठीक है ना? ओके विच वन क्या? आओ मत, किस पे जाऊं? आओ मत, बैठ रहे हैं ना, बैठ आप बैठ। नहीं बच्चे को उस पे सीट बेल्ट लगाऊंगी। अच्छा मौत कम दे, कम दे सर। मौत अब बाहर आए, अम्मी जाऊंगी कैसे। हाँ जी जी मौत, हम लोग बैठ गए। हाय चलो बस अभी होने वाली है, मैं रोज़ कहाँ बैठे हैं उधर बैठे हुए। ओहो बड़ी ज़बरदस्त ड्राइव होने वाली है अभी। मौद इज सिटिंग विद मी एंड मनाल इज सिटिंग विद हिज डैडा। चलो हमने मना ही किया था। किसको? डैडा ने खुद बोला कि मनाल उनके साथ बैठेगी। चलो ओ हाँ जी, डॉजिंग कार से हम फ्री हो गए हैं। डॉजिंग कार में जिस कार में मैं बैठी थी इंतहाई बकवास। हाँ जी एक टिकट बचा, पूछ ले मौत बैठ जाए या मनाल बैठ जाए, बस इस पर फिनिश करें। वॉमिटिंग सी फीलिंग आ रही है मुझे तो। मेरी तो हर जो डॉजिंग कार थी वो तो उसका स्टेयरिंग इतना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था तो मेरा तो सारा मूड ही ख़राब हो गया। मैं सही से वीडियो भी नहीं बना सकी, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही थी कि गाड़ी भी मुझसे सही चल नहीं रही थी, वरना मैंने बड़ी कोई ज़बरदस्त गाड़ी चलानी थी। खैर चलें अभी आए हैं, हमारे पास एक टिकट बचा है, मैंने कहा बस अब वो करते हैं, फ़ाइनल करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो रहा है, शाम ख़त्म हो रही है, मगरिब का टाइम हो रहा है। वी हैव टू हाँ किसके पास सर? अच्छा तो ये है कि बस एक टिकट था, एक और ख़रीद रहे हैं कि दूसरा बच्चा भी है पीछे जो घोड़े हैं घोड़ों पर बैठना चाहते हैं, तो बस इनको इस पर बिठाएंगे देन हम जाएंगे। चले जी मैं टिकट परचेज करने आ गई हूँ। शुक्रिया। ये ले भाई, ये लोग तो बैठ गए हैं घोड़े पे और टिकट का वेट कर रहे हैं। हाँ जी बाय मनाल, बाय मनाल। तुम इनके साथ बैठो। हाँ जी मैं वीडियो बना लूँ। नहीं जी हाँ सपोर्ट के लिए आ सकते। हाँ जी हस्बैंड मेरे गए हैं कूपन खरीदने यहाँ पे, फूड कोई भी आपको लेना होता है तो उसके लिए
कुर्बन लेना होता है तो मेरे बेटे को कैंडी फ्लॉस बहुत पसंद है, तो कॉटन कैंडी बेसिकली, तो उसके लिए वो लेनी है, तो उसका वो कूपन लेने गए हैं। और मज़ीद झूलों में बैठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मेरे बेटा चाह रहा था कि हम उसमें जाएँ, ये जो पीछे रोलर कोस्टर, लेकिन वी कांट। मुझे तो चक्कर से फीलिंग आ रही है, यूज़ टू नहीं होते हम लोग बच्चे, माशाल्लाह इतने एक्टिव होते हैं हम लोग, तो थोड़ी सी भी किसी चीज़ पर बैठ जाए घूमने वाली तो हमें चक्कर आने लगता है। और यहाँ क्राउड भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मगरिब हो रही है, नाउ वी हैव टू लीव। बस कैंडी लेके खाने का दिल चाह रहा था हस्बैंड का, लेके मैंने कहा नहीं यहाँ से नहीं खाएंगे हम, कहीं बाहर से लेंगे। जी बेबी, नो आइसक्रीम विल बाय फ्रॉम आउटसाइड। तो कहाँ गए ये रहे, बस इनका कैंडी फ्लॉस आ जाए व्हेन वी आर लीविंग फ्रॉम देयर। और एक बात मैं ओवरव्यू आपको करा दूँ इसका, वैसे तो जो मैंने कपकेक से ओवरव्यू कराया है वो सीन तरीना में चले दूर रखूँ। हाँ देर थैंक यू सो मच। चले जी अलविदा कह रहे हैं हम प्ले लैंड को। खैर अभी हम बैक टू बैक दो दफ़ा आ गए हैं, मतलब एक दफ़ा पहले आए थे मैं अपने ससुराल वालों के साथ यहाँ प्ले लैंड में, अभी फिर आई हूँ, फिर अब दोबारा, यस बेटे वी आर गोइंग। तो अभी आए कि दोबारा तो नहीं हम आएंगे, अभी बस यही था कि बच्चों को ज़रा झूले वगैरह के लिए आए, और वैसे भी आगे जाके सर्दी शुरू हो जाएगी तो सर्दी में तो हिल पार्क आना बहुत इम्पॉसिबल है, बिकॉज सर्दी होती है बहुत। मॉट वेट फॉर डैडा। तो बस हम निकल ही रहे हैं अलविदाई वीडियो यहाँ की। ये रहा इसका गेट। चलें जी, ये हमारा जाने का रास्ता है। ये खाती हो तो? खाती नहीं है मनाल, बस ऐसे शोखियाँ करती रहेगी, इसके बाद फिर वो हमको ही खानी होगी। मौत देख के चले बेटे और साथ चले मेरे, ये भी दिखाती चलूँ यहाँ पे और क्या क्या है। जी नहीं नहीं महरोज, नहीं नहीं हाथ वाथ गंदे हो जाएंगे, वैसे भी मगरिब हो रही है। ये यहाँ पे स्लाइड्स हैं, पहले हम यहाँ भी आते थे लेकिन अब कोरोना की वजह से छोटे बच्चों के साथ ना। चलो महरोज ज़रा मौत को भी देखेगा, एक ज़माना था यहाँ हिल पार्क वगैरह आ जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ की जेंट्री इतनी डिफरेंट हो गई है, लोग यहाँ आना एक अजीब सा समझते हैं, मायूब समझते हैं। लेकिन सीरियसली मैं बोलूँगी, ठीक है हाँ हिल पार्क में नो डाउट बहुत रश है और गैदरिंग ऐसी है कि आप नहीं आ सकते, लेकिन जो यहाँ का प्ले लैंड है वो मस्ट आप ट्राई करें अगर आपके छोटे बच्चे हैं। अच्छी इतना भी बुरा नहीं है, आप आ सकते हैं तो, और छोटे बच्चे तो वैसे भी घर पर ही हैं, उनका तो कहीं जाना नहीं है, तो यह है कि उनकी अच्छी आउटिंग हो जाएगी। मैं बस अपने ब्लॉग के एंड की तरफ जा रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं बस गाड़ी में बैठने, गाड़ी की तरफ ही जा रहे हैं हम चलते हुए। ये यहाँ से भी अल्लाह मेरे पीछे। जी बेबी कमिंग, जी बात हाथ नहीं छोड़ो यहाँ पे बेटे, यहाँ गाड़ी आ रही है, पीछे से भी गाड़ी आ रही है। इसकी कहाँ गई? अच्छा खाली, हाँ 6:15 हो रहे ना, अभी 6 बजे फिर पूरे मगरिब हो जाएगी, एकदम अंधेरा होगा, लाइट्स देखे ना जल गई आपके। मम्मी पापा भी टाइम पे पहुंच गए जी। उफ ये काफ़ी स्लाइड है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको पीछे मुड़ के कि हम कितनी स्लाइड में से उतरे, देखने में लग नहीं रही है इतनी लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्लाइड है ये। चलिए जी यहाँ तो मैं अब एंड अप करती हूँ, हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठने, बहुत शदीद थक गए हैं, घर जाऊंगी एडिट करूंगी, देखें हो सका तो कल तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, या क्या मालूम रात में ही कर दूं, बिकॉज मेरा अभी न्यू है, एक्साइटमेंट हो रही है मुझे बहुत कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूं। चलें जी, ओके अल्लाह हाफिज़।